क्लास 5 क्वेश्चन पेपर हिंदी सामयिक मूल्यांकन कसौटी हिंदी अंक 25। सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हवा में उड़ने वाला किसी एक यातायात साधन का नाम लिखिए। तो हवा में जो उड़ता है उस एक यातायात साधन का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हवाई जहाज। दूसरा प्रश्न है, मुफ्त में मुसाफरी किस साधन में कर सकते हैं, कि हमें कोई पैसे नहीं देने और मुफ्त में मुसाफरी करनी है, तो वो साधन कौन सा होगा? साइकिल। किस साधन में पहिए नहीं होते हैं? तो हेलीकॉप्टर में कोई भी पहिए नहीं होते हैं। तीन पहियों वाला किसी एक साधन का नाम लिखिए। तो ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा है जिसमें तीन पहिए होते हैं। हॉर्स कार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो घोड़ा गाड़ी। निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। यहाँ पे अंक दे रखे हैं, उनको हमें शब्दों में लिखना है। तो पहला दिया है 22, तो हम शब्दों में लिखा 22। ये 31 दे रखा है, तो 31। 49, ये 49 है, तो हमने शब्दों में लिखा 49। 28, तो यहाँ पे लिखा 28। और 42, तो ये 42। तीसरा प्रश्न है, उचित विकल्प पसंद करके वाक्य लिखिए और अधूरे वाक्य पूर्ण कर दें। मतलब यहाँ पे जो खाली जगह दे रखी है वहाँ पे आपको ये शब्द झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का, ये आपको इस खाली जगह में लिखना है। दो बिल्लियाँ थी, एक काली एक सफ़ेद, दोनों को लगी क्या लगी? भूख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भूख। उन्हें एक मिली क्या मिली? तो एक रोटी, रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए क्या करने लगे? झगड़ने लगे। तो वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह लाया क्या? लाया तराजू, तराजू लाया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था और तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली और दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। इस तरह से रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित विषय पर 5 वाक्य लिखिए। मेरी पाठशाला, इस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो हमारा पाठशाला या हमारी पाठशाला हमारे लिए एक मंदिर के समान है। हमारे पाठशाला को प्रदूषण, शोर, गंदगी और धुएं से दूर सुरक्षित स्थान पर बनाया गया, जिससे बच्चे शांतिपूर्ण वातावरण में मन लगाकर पढ़ सकें। हमारा पाठशाला सुबह के समय पर होता है और पाठशाला में सबसे पहले प्रार्थना होती है और प्रार्थना होने के बाद हम अपने क्लास टीचर को शुभ नमस्कार करते हैं। हमारे पाठशाला में बहुत ही सख्ती से अनुशासन का पालन किया जाता है। ये 5 वाक्य हैं मेरी पाठशाला पर। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो वाक्य दे रखे हैं उनको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। पहला है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो द लायन इज रोरिंग इज ए केज। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। हमारे देश का नाम भारत है, आवर कंट्री नेम इज इंडिया। फूल हमें खुशबू देते हैं, द फ्लावर्स गिव अस स्मेल। खेतों में फसल तैयार हो गई है, क्रॉप हैज रेडी इन द फील्ड्स। ये वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना है।